अस्सलामुअलैकुम, शनासटी वी न्यूज के साथ मैं हूँ कैसर दिलावर। शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। खबर शामिल करते हैं वहाँ से, जेली करेंसी का कारोबार करने वाला इंतहाई शातिर मुल्ज़िम आखिरकार पकड़ा गया। मुल्ज़िम ने शोरूम के मालिक को चूना लगा दिया, लेकिन शोरूम का मालिक भी होशियार निकला और फौरन 15 पर कॉल कर दी। पुलिस मुल्ज़िम को थाने ले जाकर जब रवायती अंदाज में तलाशी ली तो मुल्ज़िम के हर जेब से जाली करेंसी की बारिश होने लगी। खबरें तफसीलात के साथ, हम आपको तफसीलात से आगाह करते चले कि जेली करेंसी का कारोबार करने वाले इंतहाई शातिर मुल्ज़िम आखिरकार पकड़ा गया। मुल्ज़िम ने शोरूम के मालिक को चूना लगा दिया, लेकिन शोरूम का मालिक भी होशियार निकला और फौरन 15 पर कॉल कर दी। पुलिस मुल्ज़िम को थाने ले जाकर जब रवायती अंदाज में तलाशी ली तो मुल्ज़िम की हर जेब से करेंसी की बारिश होने लगी। टेक्सला के इलाके नवाबाद में मौजूद शोरूम पर एक नक्सरबाज जेली करेंसी का कारोबार करने वाले ने शोरूम के मालिक को बयाना नाम पर जेली करेंसी थमा दी और खुद निकलने लगा। शोरूम के मालिक ने फौरन 15 पर कॉल करके मुल्ज़िम को पुलिस के खते चढ़ा दिया। पुलिस ने जब मुल्ज़िम की तलाशी ली तो जेब के हर कोने से जेली करेंसी की भरमार बाहर आने लगी। मुल्ज़िम ने वही रवायती अंदाज अपनाया, न जाने मेरी जेब में इतने नोट कौन जेली करेंसी के डाल गया। मुल्ज़िम से तकरीबन 80,000 रुपए की जेली करेंसी बरामद हुई। मुल्ज़िम तारिक के दीगर साथियों सहूलतकारों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथी रिपोर्टर नजीब शहबाज के साथ कैसर दिलावर जिदून, शनासा टीवी, हसन अब्दाल।